आपने जिक्र किया सायरा बीबी कि जनाब आपको ये सिस्टम जो है उसमें से वो उस सिस्टम में बड़ी खराबियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, और वो कोई माइनर इश्यूज नहीं है, दे आर लाइक ग्रेव इश्यूज इन द सिस्टम. सो इफ़ दिस सिस्टम इज नॉट डिलीवरिंग एंड इफ दिस सिस्टम इज नॉट वर्किंग और ये मासेस तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं हो रहे, तो फिर व्हाट डू यू थिंक शुड बी द सिस्टम? कौन सा सिस्टम होना चाहिए? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होना चाहिए, कोई यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को बेहतर कर लेना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आना चाहिए यहाँ पे, कोई यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आना चाहिए, क्या होना चाहिए? आप ये जितने भी सिस्टम के नाम गिनवाए हैं, मैं नहीं समझती ये इस कॉम के ऊपर कोई भी अप्लाई होगा और ये कॉम सुधर जाएगी. मसला सिस्टम लेके आइए राणा साहब, 75 सालों से बिल्डिंग नेशन नहीं हुई. जिस मुल्क की ईंट टेढ़ी रखी गई हो, जहां पर स्टार्ट ही आपका नकली क्लेम और नकली जातों से शुरू हुआ हो, कि जो पहले वहां से क्लेम लेकर आता था उसको यहाँ पर मिलता था, फिर उसके पास जिसके पास 4 पैसे होते थे वो इंडिया से जाके बनवा कर लेकर आता था, और पता चल रहा कि साल डेढ़ साल बाद तो यहीं पर ही बनना शुरू हो गया, उन्होंने मोरे वगैरह भी बनवा ली. जब इब्तदा ही इसी चीज से हुई हो तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वहां पर ये सब कुछ सही हो जाएगा? यहाँ पर मैं कहती हूँ जो मैं शऊर नहीं है लोगों के पास. आप जितनी मर्जी कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलें, जितनी मर्जी तालीम कर लें, जितनी मर्जी उनके हाथ में डिग्री आ जाए, कोई बंदा, कोई इंसान का बच्चा, तो आप कुरान पाक पढ़ते हैं, तर्जमा पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि आपके अगर घर में एक नौकरी मिली और आप देख रहे हो कि ये जमात इस मुल्क के साथ क्या कर रही है, क्या कभी किसी के दिमाग में सोच नहीं आएगी? ओके सायरा बीबी, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? आगे आगे क्या, कैसे इसको फिक्स कैसे किया जाए? इस सारी चीजों को फिक्स कैसे किया जा सकता है आपकी नजर में, आपके ख्याल में, इन सारी चीजों को फिक्स कैसे करें? सॉरी कम अगेन, तरबियत दी जाए. तरबियत नहीं हो सकती, इंसाफ, मेरी बात सुनिए, इंसाफ का निजाम सही होगा या ऊपर से लेकर नीचे तक डर पैदा होगा कि गलत काम किया या ये किया तो उसकी सजा होगी. जब आप कुछ माफ कर दीजिएगा कि जब आप कन्विक्टेड चोर उचक्कर लोगों को असेंबली में बैठते हैं और आप डिग्री होल्डर्स को, पढ़े लिखे नौजवानों को जूतियां चिखाते, डिंकी में समंदर की लहरों में मरते देखते हैं, बाहर जाके टैक्सी चलाते हैं और होटलों में काम करते हुए देखते हैं, तो फिर वहां पर ये सब कुछ नहीं हो सकता. अल्लाह का वास्ता, यहाँ पर 76 सालों में हुक्मरानों ने क्या किया? यहाँ पर स्टील मिल वो बंद, PIA उसको संभाल नहीं सके, जो आया उसने अपने बाप का माल समझ उसको नोचा, उसको खाया,